Hello students, hope all of you are fine. We will continue with the same chapter, that is chapter number 6, water. In this video we will discuss about the sources of water in nature. Now अभी हमने last video में discuss किया था 71% of the earth surface is covered by water. अब वो जो 71% वाटर है वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, नाउ वी विल डिस्कस दैट. इट इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. सरफेस वाटर मीन्स द वाटर दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, लाइक सी, ओशंस, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स, जो सोर्सेज हमें नजर आते हैं. बट ग्राउंड वाटर, हम ग्राउंड वाटर जो सॉयल के नीचे प्रेजेंट है वाटर, हम उसे देख सकते हैं क्या? नो. बट सम अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट बिलो द सॉयल एंड दैट वाटर इज नोन एज ग्राउंड वाटर. नाउ वी विल डिस्कस सरफेस वाटर. सरफेस वाटर इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ओशंस एंड सीज और इन द फॉर्म ऑफ रिवर, लेक एंड स्ट्रीम्स. इफ यू टॉक अबाउट ओशंस एंड सीज, 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशंस एंड सीज. आपने देखा होगा सी और ओशंस, इंडिया की तो तीनों साइड पे क्या प्रेजेंट है, 3 साइड्स ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद वाटर. ऑन वन साइड वी हैव इंडियन ओशन एंड ऑन अदर साइड वी हैव बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. So, 2/3 of the earth surface is covered with seas and oceans, and these are the largest source of natural water. जो भी पानी 71% है उसका most part कहाँ पे present है, ocean या seas में. But this water is unfit for drinking. क्यों हम drinking या irrigation के लिए use नहीं कर सकते इसे? क्योंकि ये क्या है, salty water. Salty water is unfit for drinking, irrigation and even industrial purposes. So, ये पानी हमारे किसी काम का नहीं है. But if we have something to, अगर हम इसे purify कर लें then we can use it. But in its natural form we can't use it. Then we have river, lakes and streams. अब river, lake और streams में पानी कहाँ से आता है? जो माउंटेन्स के ऊपर स्नो होती है या ग्लेशियर्स होते हैं वो जब धीरे धीरे मेल्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, रिवर्स. और जो रेनफॉल होती है उसका पानी भी कहाँ जाता है, रिवर्स में, लेक्स में या स्ट्रीम्स में. नाउ दिस इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेस. अब जो रिवर, लेक्स और स्ट्रीम्स का पानी होता है वो किस लिए यूज होता है, पीने के लिए, इरिगेशन, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए. बट दिस वाटर हैज़ टू बी प्योरीफाइड बिफोर यूज, क्योंकि इसमें क्या हो सकती हैं, इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं. तो इसे क्या करना पड़ता है, प्योरीफाई बिफोर ड्रिंकिंग और बिफोर यूजिंग फॉर इंडस्ट्रीज. देन वी हैव ग्राउंड वाटर, जो सॉयल के नीचे वाटर प्रेजेंट होता है. नाउ वील टॉक अबाउट दैट वाटर. वन फॉर्म इज स्प्रिंग एंड वेल्स. अब स्प्रिंग और वेल्स में पानी आता कहाँ से है, जो नॉर्मली रेन होती है तो रेन क्या करती है, सॉयल पे गिरती है रेन, और फिर वो पानी कहाँ जाता है, धीरे धीरे वो सॉयल के अंदर चला जाता है, इट सीप्स इनसाइड द सॉयल. और सॉयल में क्या होता है, अलग अलग तरह की रॉक्स प्रेजेंट होती हैं नीचे. अगर हम सॉयल की लेयर्स के बारे में बात करें तो टॉप सॉयल, देन वी हैव बेड रॉक ऑल्सो. सो आपने लेयर्स ऑफ सॉयल पढ़ा है, तो उन सारी लेयर से जब ये वाटर पास करता है तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, प्योर फॉर्म में. सारी इम्प्योरिटीज फिल्टर होके ये प्योर फॉर्म में आ जाता है ग्राउंड वाटर. दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर वी कैन से, एंड वी नीड नॉट टू प्योरीफाई इट बिफोर ड्रिंकिंग. अगर आप वेल से पानी लेके आते हैं तो आप डायरेक्टली उसे पी सकते हैं या हैंडपम्प से लेके आते हैं, बिकॉज दैट इज ग्राउंड वाटर. सो एज इट पासिस थ्रू लेयर्स ऑफ सॉयल इट गेट क्लीन. Sometimes spring water is rich in minerals. कई बार क्या होता है, spring water minerals में rich होता है, तो ये इसमें medicinal properties भी होती हैं.
स्पेसिफिक किसी मिनरल में रिच होता है, जो मिनरल हमारी डिजीजेस को क्योर करने में हेल्प करता है. तो ऐसे भी स्प्रिंग होते हैं कई बार. सो दिस इज स्प्रिंग एंड वेल्स. एंड देन रेन वाटर. रेन वाटर तो सबको पता है, रेन नॉर्मली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन इज नोन एज रेन. तो रेन क्या हो सकती है? वाटर फॉर्म में भी हो सकती है, हेल की फॉर्म में भी हो सकती है, और स्नो की फॉर्म में भी हो सकती है. सो दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर. इट सीप्स इन टू ग्राउंड एंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर. धीरे धीरे ये रेन कहाँ चले जाते हैं? रेन वाटर ग्राउंड में. एंड दिस इज नोन एज ग्राउंड वाटर. गोज टू, इट ऑल्सो गोज टू रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, ओशन एंड सीज. सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ वाटर इन नेचर. इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट्स ऑफ वाटर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर. सो दिस वीडियो इज ओवर. थैंक यू.